एक्सेलरेटिंग योर नॉलेज ऑफ व्हीकल्स। तो गाइस हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के बाद क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट जो कि हुंडई जल्दी लॉन्च करने वाला है, क्योंकि हुंडई क्रेटा एनलाइन कुछ दिन पहले ही टीवीसी शूट के दौरान देखा गया था, जिससे कि ये पता चला कि एनलाइन वेरिएंट ऑल न्यू क्रेटा 2024 पे बेस्ड होने वाला है। हालांकि थोड़े बहुत अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। बने रहे वीडियो के एंड तक, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस हुंडई क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट लॉन्च करने वाला है, जो कि एनलाइन वेरिएंट के टू स्पेसिफिक कलर्स में लॉन्च होगा। फर्स्ट इज थंडर ब्लू एंड सेकेंड इज न्यू कार्बन स्टील, जो कि मैट फिनिश के साथ आने वाला है। साथ ही हो सकता है कि अलॉय व्हील पहले से थोड़ा बड़ा हो सकता है, अप्रोक्स 18 इंचेस का, विद रेड ब्रेक कैलिपर्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो भाई अब तो ये व्हील्स के मामले में भी सेल्टॉस के टक्कर में होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सेल्टॉस में आपको 16 इंचेस, 17 इंचेस एंड 18 इंचेस के अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता था। साथ ही अगर आपको इन दोनों व्हीकल का डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा आपको फ्रंट एंड रियर बम्पर दोनों ही डिफरेंट लुक में मिलते हैं। साथ ही स्टैंडर्ड वेरिएंट से आपको ग्रिल थोड़ा छोटा मिलता है और लोगो प्लेसमेंट भी थोड़ी चेंज कर दी गई है, और साथ ही इसमें आपको स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर और साइड स्कर्ट्स देखने को मिल सकता है, वो भी एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश के साथ। और इसके अलावा आपको कार के ओवरऑल एक्सटीरियर और इंटीरियर में रेड एक्सेंट देखने को मिल सकता है, जो कि इसके स्पोर्टी लुक को और एनहांस करेगा। और साथ ही इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पूरा केबिन आपको ब्लैक एंड रेड थीम में मिलने वाला है। और भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लाइक स्पोर्टियर सीट्स और एन लाइन का स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील विद न्यू गियर शिफ्टर। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिलने वाला है ट्विन टिप्ड एग्जॉस्ट, वो भी क्रोम फिनिश में। बात करें इंजन स्पेक्स की, तो इसमें आपको मिलने वाला है ऑल न्यू 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, जो कि क्रेटा फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। बात करें पावर की, तो ये प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड टॉर्क मिलता है आपको 251 न्यूटन मीटर। साथ ही इस इंजन में आपको मिलने वाला है 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन, और हो सकता है इसमें आपको स्पोर्टियर एग्जॉस्ट नोट भी मिल सकता है, बट ऑब्वियसली विद फॉलोइंग ऑल नॉइस रेगुलेशंस। और इसके अलावा फीचर्स क्रेटा फेसलिफ्ट से ही सिमिलर मिलने वाला है, लाइक डुअल 10.25 इंचेस का डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS, LED हेडलाइट एंड टेल लाइट जो कि कनेक्टेड देखने को मिलते हैं, और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। सो बात करें इसके प्राइस की, तो ये हो सकता है अप्रॉक्स 21 लाख टू 23 लाख। बात करें एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो ये लगभग 19 टू 25 तक लॉन्च हो सकता है। आपको क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू व्हीकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।